कि आप देख रहे हैं ये वही घर है जहाँ पर मासूम बच्चों को बंदी बनाया हुआ है। अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर बच्चों को बुलाया और उनको बंदी बना लिया। नाम बूंदी सिंह बताया जा रहा है। देखिए मैडम, मुझे मेरा डिमांड अभी इसी समय पूरा करवाना है। आप जज को यहाँ लेके आओ, पूरा कोर्ट यहाँ के लेके आओ, जो करना है करो। एक घंटा है आपके पास। एक घंटे में अगर मेरा डिमांड पूरा नहीं हुआ ना, तो मैं कसम से गदर मचा दूंगा, मैं मार डालूंगा मैं सबको। देखिए आप हमारी बात तो अभी बात खत्म, डिस्कशन फिनिश। एक घंटा शुरू होता है आपका अभी से। कहा था आपको, लेकिन आपने नहीं सुना। हमारा बात नहीं मानते जज बातों से ये लोग। हमको ही कुछ करना होगा। Keep me posted, okay? जय हिंद। अच्छा हुआ अनुभव तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। देखो मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, वो क्या है कि बहुत टेंशन चल रही है। और कैसे हो तुम? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आप सुनाइए सर। सुना आजकल बहुत घोड़े दौड़ा रहे हो तुम? जी अरे नहीं सर, कार लेने जितना धन है कहाँ, इसलिए जो भी मिलता है चला लेते हैं। वैसे कहने को तो आईबी के अधिकारी है, लेकिन आज तक कार का लोन भी नहीं ले पाए। अनुभव तुम देश की सेवा कर रहे हो, ये क्या कोई कम बड़ा काम है? अरे सर देश की सेवा तो जिंदगी भर करते रहेंगे सर, लेकिन जन्म देने वाली माँ की सेवा करने का भी तो अवसर दीजिए। कब से कह रही है थोड़ा सा समय साथ में बिताने के लिए, पर हमारा विभाग है कि हमारा अवकाश का आवेदन अटकाए बैठा है। जब भी छुट्टियों की बात होती है एक नया केस सामने लाकर रख देते हैं, कहते हैं कि इसे सुलझाओ फिर घर जाओ। अब ना नए केस आना बंद होते हैं और ना छुट्टियां मिलती हैं। थोड़ा सोचिए ना प्रभु, माँ है, क्या माँ का उतना भी हक नहीं बनता अपने पुत्र के साथ थोड़ा सा समय बिताने? और ऊपर से अभी भी शुल्क निवास में रह रही है। शुल्क निवास? किराए का घर। आज तक हम आवास के लिए लोन भी नहीं ले पाए। ये अनुभव तुम क्या लोन 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 लगा रखे हो, कभी कार लोन कभी होम लोन। अरे ये पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, कोई बैंक का लोन डिपार्टमेंट नहीं। हेलो, अरे मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि मैं फोन करके आप लोगों को बताऊंगा। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ भी होगा मैं प्रेस रिलीज करूंगा, और ज्यादा डिटेल में बातें बतानी होगी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे हम। प्लीज तब तक के लिए थैंक यू। ओ मैडम, अरे क्या सोचा आपने? हमारी बात सुनो, हमने आपकी सारी डिमांड्स के बारे में ऊपर तक बात की है, वो बहुत जल्द आपकी डिमांड्स पूरी कर देंगे, लेकिन तब तक आप फिलहाल के लिए कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है। ए, तुम दोनों लड़के जाओ बाहर। मैडम आप वहाँ क्या कर रही हैं? प्रभु, अरे क्या है, काहे भड़क रहे हैं प्रभु? तो क्या करूं बताओ, एक अकेले आदमी ने पुलिस डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा है। शांत प्रभु शांत, स्वयं ही कहते हैं कि उत्तेजित होकर कभी भी किसी भी समस्या का निदान नहीं निकलता। और स्वयं ही पंडित जी प्लीज। हेलो सर, सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं सर, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज देंगे सर। यस सर। प्रभु जी प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। वही तो ठीक से नहीं हो रहा ना सर। मतलब? ये देखिए सर, स्टार न्यूज चैनल पे जो सीधा प्रसारण हो रहा है, सबसे पहले उसे बंद करवाइए। अंदर किडनैपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है कि बाहर पुलिस क्या कर रही है। आप पर भरोसा किए थे, हमको बेवकूफ समझिए आप? हमको इंसानियत का घुटनी पिलाकर हमारा सफाया करना चाहती है आप? क्या हुआ, क्या नौटंकी कर रही है हमसे? वो देखिए आपके ऑफिसर वहां हमारी खोपड़ी का निशाना लगा के बैठी है। वो बोल दो, उसका एक गोली चलेगा ना, हमारा 100 गोली चलेगा, एक बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मालूम है आपको?
आप शांति रखिए प्लीज, आप शांति रखिए। करिश्मा सिंह यार क्या कर रही है ऊपर पेड़ पर, करिए नीचे उतारिए, दैट्स एन ऑर्डर। देखिए भरोसा कीजिए, हमें कुछ नहीं पता था, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाली हैं। अरे बस बात हो गया प्रेम भाव, अब तब तक यहाँ से किसी को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता, समझ रही हैं? आधा घंटा है आपके पास, हमारा डिमांड पूरा करो और बचा लो बच्चों को, नहीं तो शांत शांत हो जाइए। इस लाइव टेलीकास्ट को इमीडिएटली बंद करो। आपको बच्चों की जरा सी भी परवाह है? किसने कहा आपको ऊपर पेड़ पर चढ़ने के लिए उस पर बंदूक तानने की परमिशन किसके लिए आपने? मैडम सर सिचुएशन परमिशन का नहीं है, समझने का है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसके साथ अंताक्षरी खेलें, वो तो उसको हमारे बारे में पता चल गया, नहीं तो ये खेल अभी तक निपट गया होता और सारे बच्चे अभी तक सुरक्षित होते। करिश्मा सिंह हमारा पहला मकसद बच्चों को बचाना है, उसको पकड़ना बाद में, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बार बार बीच में आ रही। अच्छा खासा उसको हम पर भरोसा हो गया था, वो हमसे बात कर रहा था लेकिन आपने सब कुछ बेकार कर दिया, अब वो हमसे बिल्कुल बात नहीं करेगा। हमें ना सिर्फ बच्चों की चिंता हो रही, साफ साफ पता चल रहा है दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। इन दोनों के आपस की रंजिश की कीमत उन बेचारे बच्चों को ना भुगतनी पड़ जाए। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मल्लिक मुझे पहले ये बताइए कि चल क्या रहा है? अरे मैंने आप लोगों को वहाँ बच्चों को बचाने के लिए भेजा था। आप लोगों ने तो बच्चों को और खतरे में डाल दिया। माफ कीजिए सर लेकिन कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया था। अब आगे क्या करना है वो बताइए। देखिए माफ कीजिए सर लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अब हम तीनों में से किसी से भी बात करेगा। आपको किसी और प्रोफेशनल नेगोशिएटर को भेजना होगा ताकि जब तक वो किडनैपर से बात करे तब तक हमें मौका मिल जाए स्ट्रैटेजी बनाने का उसे पकड़ने के लिए। ठीक है मैं भेजता हूँ किसी को। हमको नहीं लगता हमको आपको बच्चों की जान का कुछ पता है, और बता रहे हैं हम चाहते तो नहीं थे पर मजबूर है, खून खराबे के लिए तैयार हो जाइए, एक एक को मारना शुरू कर रहे हैं हम। रुकिए रुकिए शांत हो जाइए, रुकिए रुक जाइए। देखिए आप शांति से ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिए, हमने आपकी सारी डिमांड्स ऊपर तक पहुंचा दी है, उन्होंने आपकी डिमांड्स मान ली है, बस थोड़ी देर में एक आदमी आ रहा है यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर लेके, उसके बाद आप आजाद हैं, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ मत करिए प्लीज। अब ड्रामा तो नहीं कर रही है ना, कोई प्रपंच तो नहीं आपका? नहीं ये हमारा कोई प्रपंच नहीं, हम सच कह रहे हैं, बच्चों से पहले आप हमें शूट कर दीजिएगा, हम यहीं आपके सामने खड़े बिना किसी वेपन के। हम आपके सामने एक बेहतरीन प्रस्ताव रखते हैं जिससे कि आपका काम भी चलता रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। वो ये है सर कि आप हमें फील्ड ड्यूटी से हटाकर डेस्क ड्यूटी पर ट्रांसफर करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि सुबह से शाम तक हम काम करेंगे और शाम को माँ के साथ जाकर समय बिताएंगे। वो क्या है ना सर, विवाह की आयु हो रही है हमारी, इसलिए दिन रात माँ को चिंता रहती है। ठीक है ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। क्या बात है, थैंक यू सर। लेकिन मेरी एक शर्त, तुम्हें पहले ये हॉस्टेज वाला केस सॉल्व करना होगा। पता था मुझे, पहले केस सुलझाओ फिर घर जाओ, हमेशा यही होता है। देखो मैं तुम्हारा कमिश्नर ही नहीं हूं, तुम्हारा एक करीबी दोस्त भी हूं। अगर तुमने ये केस सॉल्व किया, बच्चों को किडनैपर से छुड़वाया, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फील्ड ड्यूटी से ट्रांसफर करके डेस्क ड्यूटी पे लगा दूंगा, ट्रस्ट मी। तत्काल प्रभाव से? तत्काल प्रभाव से, भद्र पुरुष वचन। भद्र पुरुष मतलब? जेंटलमैन प्रॉमिस सर, जेंटलमैन प्रॉमिस। अब जाओ जाकर केस सॉल्व करो, हमारे पास वक्त बहुत कम। जय हिंद। जय हिंद। मैडम कौन आ रहा है, कितना वक्त लगेगा, चांद पे से आ रहा है क्या, मैं मार दूंगा सबको। आ रहे बस थोड़ी देर में पहुंच रहा है, दो मिनट हम अभी पता लगाते हैं। मैडम सर किसको भेज रहे कमिश्नर सर? पता नहीं संतोष, लेकिन आई रियली होप कि वो किसी जीनियस को भेजे। इस वक्त तो इन बच्चों को एक रियल लाइफ हीरो की जरूरत है, देखते हैं ऊपर वाला किस हीरो को भेजता है। Thank you.
मैं वो केक डिलीवर करने आया था. जस्ट जोकिंग. आप ही ने तो बुलाया हमें. अनुभव सिंह, नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट, आईबी. तो आप है जिन्हें कमिश्नर सर ने भेजा है? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने. आप जानती हैं बहुत अच्छे से. अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए. हम आ गए ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे. अरे भाई जान, आ है आप. बूंदी सिंह जी, दर्शन तो दीजिए, हम आपसे वार्तालाप करने आए. आ गए. तुम आओगे मेरे रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर लेके? बिल्कुल सही पहचाना. वेरी इंटेलिजेंट अपहरण करता. जी हाँ, वो हम ही है. देखिए आपसी बात है, पूरी दुनिया क्यों सुने. अगर आज्ञा हो तो थोड़ा समीप आ जाए. क्या समीप? समीप क्लोज, नियर आ जाए. नहीं 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 भाई रुको, ये हाथ में क्या तुम्हारे? हाथ में क्या है? हाथ में ये केक है महाराज. आज आपके पुत्र की वर्षगांठ है ना, तो खाली हाथ आते तो अच्छा थोड़ी लगता. कहाँ है आपका पुत्र? पापा मुझे केक चाहिए, मुझे केक खाना है. तुम बाहर क्यों आया? बाहर आने के लिए मना किया था ना? वापस जा. पर पापा मुझे केक. वापस जा. गलत बात महाराज, गलत बात. बच्चे को कोई इस तरह से डांटता है? वो भी उसके जन्मदिन पर. थोड़ा सा केक खा लेगा तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी आप ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं, तो फिर बच्चे पर इतना अत्याचार क्यों? महाराज धूप बड़ी तेज है, अब सारी बातें क्या इधर ही खड़े होकर कर लेंगे? अंदर आओ. ठीक है. सुनो, यार बतियार नहीं है ना? महाराज हम कभी हथियार रखते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है. सुनिए, रुकिए. आप बिना हथियार के, बिना किसी वेपन के अंदर जा रहे हैं. इट्स नॉट सेफ. आपको डर तो नहीं लगेगा? लग तो रहा है, पर इतो सा. क्योंकि कहीं सुना है कि जब कोई हसीन महिला आपके लिए प्रार्थना करती है तो डरने की कोई बात नहीं, जान का खतरा टल जाता है. ये प्रार्थना हमारे लिए? और वैसे भी आपका नाम हसीना है, और आपको तो देखकर लगता है कि भले ही इसने आपकी बात टाल दी, लेकिन ऊपर वाला कभी आपकी बात नहीं टालता होगा. चलते हैं. अरे सुनिए, एक छोटा सा हथियार है. संभाल कर रखिएगा, घुमाइएगा मत. महाराज आ रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे. कैसे हैं महाराज? होशियारी नहीं? हाँ ठीक. चुपचाप अंदर आओ. हाँ, और ज्यादा होशियारी नहीं? हाँ बैठो वहां पे चुपचाप. पापा. हेलो बेटा, ये आपके लिए केक यहाँ रखता हूँ. नमस्ते भाभी जी. अरे अंदर जाओ, तुमको बाहर आने को किसने कहा? अंदर जाओ. तो क्या करें हम? तभी भी ना आज का दिन मिला था ये सब करने के लिए, फिर बेटे का बर्थडे खराब कर दिया. क्या समझती नहीं हो क्या? तुम किसके खातिर कर रहे हैं ये सब? हम परिवार के साथ रहने के लिए कर रहे हैं ना, किसके लिए माफ करवाना चाहते हैं सजा? हम चल जेल चले जाएंगे तो तू पीछे से तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इसी के लिए कर रहे हैं ना सब. हमको कुछ नहीं पता, हमें अपने बेटे का बर्थडे नहीं खराब करना. चल मुन्ना केक काट. अरे भाभी जी आप क्या कर रही हैं? पिता के होते हुए बिना पिता के केक काटेगा बच्चा? शुभ अवसर है, माता पिता दोनों को साथ होना चाहिए. आइए बिंदु सिंह जी, आइए आप बच्चे से केक कटवाइए. आइए आप. अरे चिंता मत कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, रंग में मंग डालने नहीं आए हम. चाहे तो हमारे हाथ बंद दीजिए, लेकिन एक प्रार्थना है, हमारा मुंह खुला रखिएगा हमारी सुरक्षा के लिए.
एक मिनट। महाराज, सिर्फ हम चार लोग ही रहेंगे, बाकी सबको भी बुलाइए ना। अरे उन बच्चों को भी बाहर निकालिए, उनको भी केक खाने दीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुन्ना, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू मुन्ना, हैप्पी बर्थडे डियर मुन्ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई क्या हुआ, काहे उदास बैठे भैया? कुछ नहीं महाराज, बस परिवार का प्रेम भाव देखकर मन भराया, और उससे भी ज्यादा दुख ये सोच कर हो रहा है कि ये परिवार एक साथ अंतिम बार है, और उसके पश्चात तो क्या, फिर ये पल कहां, फिर ये क्षण कहां, फिर ये साथ कहां? क्यों, हमारी सजा माफ हो गई, कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर कमिश्नर ने यही बताने तुमको भेजा ना यहाँ पे? बिल्कुल महाराज बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने कहा है कि तुम्हारे पिछले सारे केसेस खारिज कर दिए गए हैं, तकनीकी रूप से न्याय प्रणाली की दृष्टि में उन सभी केसेस में तुम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, परंतु अरे परंतु क्या, और एक तो यार तुम हिंदी में बोलो यार, मेहरबानी करके हिंदी में बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु क्या इस ऊपर? भाभी जी क्या जमाना आ गया है, स्वदेशी भाषा को समझाने के लिए विदेशी भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है, परंतु यानी कि बट पर ये अपराध जो तुम कर रहे हो इसका क्या? ये अपराध मतलब क्या? ये जो तुम कर रहे हो ये भी तो अपराध की श्रेणी में ही आता है, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण किया है तुमने, उन बच्चों को मार डालने की धमकी देकर न्याय व्यवस्था को सरकार को जबरन अपनी अनैतिक मांग मंगवाने का गंभीर अपराध कर रहे हो, इस अपराध का दंड भी तो तुम्हें ही भुगतना होगा। अरे ये क्या बकवास है, अरे हमने कहा था ना कि हमारे सारे अपराधों के लिए हमको क्षमा चाहिए, तो उसमें ये अपराध भी शामिल होगा कि नहीं होगा? क्यों, मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ कठोर हैं महाराज, पर आप तो बड़े भोले हैं, सबसे पहले तो अपराध का दर्ज होना आवश्यक है, फिर मुकदमा, पैरवी, फिर गवाही, बहस, पक्ष अपक्ष, फिर जाकर कहीं निर्णय, फिर जाकर कहीं दंड, फिर कहीं जाकर सरकार द्वारा उस दंड की क्षमा, वर्षों लग जाएंगे महाराज वर्षों लग जाएंगे, पहले वाला ही ठीक था 7 वर्ष में बाहर निकल आते, लेकिन इस बार इतने लंबे जाओगे जब बाहर निकलोगे तो खुद बाहर वक्त खड़ा रहेगा खांसते हुए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फिर भी तुम घाटे में हो, तुम अभी भी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाओगे, एक तरीका है वो भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बच्चे का केक खाया है। बोलो यार, पास आइए ना, तुम ना फुर हो जाओ, निकल लो, इतनी दूर निकल लो कि कानून के हाथ तुम तक पहुंच भी ना पाए। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, परिवार के साथ रहने के लिए तो ये सब किए हैं, इनको छोड़कर कहां जाएंगे? तो फिर परिवार को भी साथ ले जाइए महाराज, लेकिन हाँ अगर पकड़े गए तो इन दोनों को भी 14-14 साल की सजा होगी, मंजूर है ना भाभी जी? नहीं नहीं, हमें नहीं जाना इनके साथ। नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा। कमाल कर रहे हो यार तुम दोनों, आज किसके लिए कहे इतना सब नाटक, अपने परिवार के साथ रहने के लिए कह रहा, हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम क्या करें, हमने गई थी एक गड्ढा भरने के लिए, दूसरा गड्ढा खोदने में कौन सा होशियारी है, 7 साल का सजा माफ करवाने के लिए 14 साल के लिए कौन जेल जाता है, वो भी पूरी फैमिली के साथ, जेल जा रहे हो कि फैमिली पिकनिक जा रहे हो? बड़ी बड़ी गंभीर स्थिति है भाई, बेटा थोड़ा हाथ खोलना ना, बहुत दुख रहा है। अरे पापा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पापा को बहुत अच्छी तरह से पता है इस वक्त एक हम ही हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। आ जाओ बेटा, आओ जल्दी आओ। जीते रहो बेटा, अपनी माँ के साथ जीते रहो। थैंक यू बेटा। अनुभव जी अब तक बाहर क्यों नहीं आए, सब ठीक तो है ना? थैंक यू बेटा। एक मिनट। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। पप्पी दे सकता हूं ना?
जा बेटा। थैंक यू यार, इतना कस के बांध रहा, लगता है कि अगले 10 जन्म तक रोंगटे नहीं खड़े होंगे। देखिए, एक और तरीका है हमारे पास, वो भी इसलिए क्योंकि हमने आपके पुत्र के जन्मदिन का केक खाया है, इसलिए। बोलो तो बोले। बोलो। तुम सब लोग एक साथ खुशी से रहना चाहते हो ना, बिना किसी भय के। एक काम करो, तुम तीनों सजा बांट लो, ढाई ढाई साल तुम दोनों जेल में काट लो और 2 साल बेटा जुवेनाइल होम में रह लेगा। 7 साल की सजा 2.5 साल में समाप्त। सोचो, फिर बाहर खुशी खुशी से निकल कर सारा जीवन आराम से बिताइएगा बिना किसी भय के। ये क्या बात हुई, इनके किए की सजा हम क्यों काटे? हमने क्या किया है भला? अरे इन्होंने पाप किया है, ये काटे सजा, हमने ही इनके किए धरे में। हम चले, चल मुन्ना। अरे सुनो, अरे भाभी जी, अरे लो महाराज, अब पूरा केक तुम्हारा, कोई बांटने के लिए तैयार ही नहीं है। खा पाओगे पूरा केक? महाराज, तो ज्ञान की बात यह है कि इस दुनिया में कोई भी किसी के दंड का भागीदार नहीं बनता, आपका अपना परिवार भी नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों का दंड खुद ही भुगतना पड़ता है। को पहले से पता था यही होने वाला है। कैसे किया आपने ये सब? क्या? ओ अच्छा, ये बस कुछ नहीं, अपहरणकर्ता के कानों में कुछ कहा और मान गया। क्या कहा? वही जो भारत वाले दूल्हे के कानों में कहा। क्या कहा जो दोनों मान गए? फिर मिलेंगे। आपने ये कहा फिर मिलेंगे? आपसे कह रहे, जब फिर मिलेंगे तब बताएंगे। आपको क्यों लगता है कि हम फिर मिलेंगे? पता नहीं, पर लगता है मिलते रहे। चलते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.